जय हिंद। मेरा नाम हवलदार नारायण सनगर। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पे मैं कुछ आज बात करना चाहूँगा कि गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए। पुराने ज़माने में गुरु का महत्व बहुत था, क्योंकि पुराने ज़माने में गुरुकुल था, शिष्य को कठोर से कठोर शिक्षा मिलती थी और शिष्य जो बनता था वो सबसे यूनिक शिष्य बनता था। लेकिन आज गुरु और शिष्य इनके बीच का जो अंतर है उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि आज शिष्य और गुरु इसमें बहुत अंतर आ चुका है। गुरु वही होना चाहिए जो अपने शिष्य को सही दिशा दिखाए और सही दिशा के साथ साथ शिष्य को सबसे ऊंचाई पर पहुंचाने का काम ये गुरु ने करना चाहिए। लेकिन शिष्य का दायित्व तो क्या होता है, महाभारत की घटना आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बोल रहे थे, तब अश्वत्थामा उसी गुरुकुल में था और अश्वत्थामा बोलता था, पिताजी मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, फिर भी आप अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ क्यों कह रहे हो। तब द्रोणाचार्य ने बोला, अरे अश्वत्थामा, तू घर में मेरे को सबसे प्रिय है, लेकिन गुरुकुल में अर्जुन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य है और वो सबसे प्रिय है, क्योंकि अर्जुन जो है मेरी दी हुई शिक्षा को अच्छी तरह ग्रहण करता है और उसका अमल सही करता है। तब गुरु द्रोणाचार्य को उनकी पत्नी ने बोला, आप सभी शिष्यों की परीक्षा ले और परीक्षा लेने के बाद जो सर्वोत्कृष्ट शिष्य है उसका नाम का घोषणा करें। उसके बाद द्रोणाचार्य ने निर्णय ले लिया कि मैं परीक्षा लूंगा। और परीक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य जब एक नदी के किनारे गए और आत्म साधना से उन्होंने एक मगर तैयार कर ली। द्रोणाचार्य ने उस नदी के अंदर छलांग मारी, गुरु द्रोणाचार्य की तरफ मगर आ रही थी। उसी समय पूरे पांडव कौरव और अश्वत्थामा चिल्ला रहे थे, गुरुवर्य बाहर आ जाइए, गुरुवर्य बाहर आ जाइए। लेकिन उसी समय गुरु द्रोणाचार्य ने उस मगर को आत्म साधना से तैयार किया था। तब जैसे मगर गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर झपट्टा मारने वाली थी, उसी समय एक लड़के ने उसके बीच में छलांग मार दी और वही लड़का था, वो जो था वो अर्जुन था। शिष्य कैसा होना चाहिए, तब अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य बाहर लेके आ गए और उसी समय अश्वत्थामा को बताया, अश्वत्थामा इसलिए मेरे को अर्जुन सबसे प्रिय है और मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, क्योंकि वो गुरु के प्रति समर्पित है। आज के शिष्यों को और विद्यार्थियों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपको गुरु के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। आप कितनी भी नई दुनिया में जियो, कितने भी वेस्टर्न कल्चर में जियो, फिर भी आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अरे आप अपने माता पिता के रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको घूमने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, ये भी बात है। गुरु के अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और अच्छी से अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी। इसलिए गुरु का आदर करना जरूरी है। उसी के साथ साथ चरण स्पर्श पौराणिक ग्रंथों में भी कहा है, अगर कोई व्यक्ति चरणों को किसी के हाथ लगाता है तो उसको एक ऊर्जा मिलती है और एक पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आती है और उसका कार्य अच्छे से अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसलिए गुरु के चरणों को हाथ लगाना भी सबसे महत्वपूर्ण है और लगाना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप करते हो, नम्र रहने की कोशिश करते हैं, पोलाइटनेस अगर आपके अंदर लाते हो, तो आपको इस धरती के सर्वश्रेष्ठ बनने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मानसिक समाधान है वो उसी से मिलता है जब आप गुरु का रिस्पेक्ट करोगे। आप अपने दोस्तों का, माता पिता का, अपने गुरु का और अपने साथियों का रिस्पेक्ट करोगे, आपको अच्छा सा अच्छा ज्ञान भी मिलेगा, उसी के साथ साथ आपका काम भी अच्छा सा अच्छा होता रहेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको गुरु का आदर करना पड़ेगा, अपने दोस्तों का आदर करना पड़ेगा, अपने माता पिता का आदर करना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं सभी लोगों को इतना कहना चाहूँगा, आज गुरु पूर्णिमा है, आज हमने एक संकल्प करना चाहिए। अगर आपको रिस्पेक्ट ना भी मिले तो भी आपने रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपको हर चीज़ आपको आपके हाथ में आ जाएगी और आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान मिलेगा। लोग आपके ऊपर प्यार करना शुरू कर देंगे और आपको एक अच्छा व्यक्तित्व बोल के समाज में आपका नाम ऊंचा होगा, और नाम ऊंचा होगा तो आपको अंदर से फीलिंग अच्छा आएगा, और जैसे आपको अच्छा फीलिंग आएगा वैसे ही आपको ज्ञान अच्छा मिलेगा और आप सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व बनेंगे और इस देश का भविष्य उज्ज्वल करेंगे, इस देश का नाम उज्ज्वल करेंगे। इतना ही कहता हूँ और मैं आज मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और गुरु पूर्णिमा पे आप सभी लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब संकल्प करें और आज से गुरु का, अपने वरिष्ठों का आदर करना शुरू करें। इतना कहता हूँ और मैं रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।